Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I'm Gunjan Malhotra, an overseas education consultant, a career counselor, and I also train students for different types of examinations. आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूजीलैंड के कुछ बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो मैं आपको उन कोर्सेज के नाम बताना चाहूँगा जिसके लिए न्यूजीलैंड काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और ये जो कोर्सेज हैं ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही पसंदीदा हैं. इंडियन स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड जनरली इन्हीं कोर्सेज के लिए जाते हैं. सबसे ज़्यादा फेमस कोर्स न्यूजीलैंड में है वो है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड कल्नरी आर्ट्स. अब ये जो कोर्सेज हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं, तो इंडिया से बहुत से स्टूडेंट्स हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए, पेटिसरी के प्रोग्राम के लिए या कलनरी आर्ट्स के लिए न्यूजीलैंड को चूज़ करते हैं. ऑल दो वो जनरली पढ़ने के बाद स्टे बैक कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इंडिया भी वापस आ जाते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स मिडिल ईस्ट या अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करते हैं. अदर देन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, न्यूजीलैंड इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर जनरल मैनेजमेंट कोर्सेज, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया. इस तरह के कोर्सेज के लिए भी न्यूजीलैंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है. एक और कोर्स जिसके लिए न्यूजीलैंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग. स्टूडेंट्स जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बैचलर्स कर चुके हैं वो अगर कंस्ट्रक्शन के फील्ड में मास्टर्स करना चाहें या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू करना चाहें तो वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए न्यूजीलैंड जाना प्रेफर करते हैं. और भी कुछ कोर्सेज हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी और डिटेल्स में बताऊंगा. मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के जो कोर्सेज हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जिस पर डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे फोकस होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज पे फोकस होता है, इस तरह के कोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं. मीडिया स्टडीज़ के कोर्सेज भी न्यूजीलैंड में काफ़ी अच्छे लेवल पर पढ़ाए जाते हैं. न्यूजीलैंड इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज. इसके साथ साथ न्यूजीलैंड में स्टूडेंट्स फाइनेंस रिलेटेड कोर्स लेना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए भी न्यूजीलैंड काफ़ी फेमस है. पढ़ने के बाद उनको किसी भी न्यूजीलैंड के अच्छे बैंक में ईजिली जॉब मिल जाता है. तो ये हो गए कुछ हॉट कोर्सेस जो स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड में पढ़ना प्रेफर करते हैं. इसके अलावा अगर मैं एक जनरल कॉस्ट की बात करूँ तो आप मान सकते हैं कि मिनिमम 17,000 न्यूजीलैंड डॉलर की फ़ीस जो है ईयरली वो कोर्सेज की रहती है, और हायर साइड पे अगर हम लोग बात करें तो 35,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स तक एक साल के कोर्स का खर्चा जा सकता है. हर कंट्री की तरह न्यूजीलैंड की भी एप्लीकेशन प्रोसेस की एक टाइमलाइन होती है. अगर आप न्यूजीलैंड में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जिस भी इनटेक के लिए जा रहे हैं काइंडली इंश्योर कि कोर्स स्टार्ट होने के 4 महीने पहले तक आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें. तो प्रोसेस का पहला पार्ट ये रहेगा कि आपको अपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में आपको बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं न्यूजीलैंड में एप्लीकेशन करने के लिए, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिपेयर कर लें. उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद प्रिपेयर योर एप्लीकेशन, वो भी हम लोगों ने आपको वीडियोज़ में बताया है पहले कि एप्लीकेशन कैसे प्रिपेयर करनी है. वंस यू आर डन विद दैट यू सबमिट योर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप तुरंत ही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, अपने फंड्स को अरेंज करना शुरू कर दें. जैसे ही आपके फंड्स अरेंज हो जाते हैं और आपका ऑफर लेटर आ जाता है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके वीज़ा एप्लीकेशन कर दीजिए, वीज़ा फाइल कर दीजिए. वंस यू आर डन विद वीज़ा फाइलिंग, कुछ दिन के बाद आपका वीज़ा का इंटरव्यू आता है एंड फाइनली रिजल्ट आता है. जब आपका रिजल्ट आता है तो फिर उसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू पैक योर बैग एंड यू हैव टू मूव टू न्यूजीलैंड. सो आई होप हमारा जो ये वीडियो था आपको न्यूजीलैंड के अच्छे कोर्सेज के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. इनफैक्ट जो प्रोसेस है उसके बारे में भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. तो आई होप कि आप हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान आउट करेंगे और उसके हिसाब से अपनी एप्लीकेशंस करेंगे ताकि एंड मोमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए. आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें. In case, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग.